डिजिटल मार्केटिंग पोस्टर डिजाइन इन कोरलड्रॉ। यूट्यूब स्टूडियो के अंदर रिसर्च टैब में मुझे ये एक टॉपिक मिला जो कि यूट्यूब की तरफ से भेजा गया था कि लोग इसे काफी ज्यादा सर्च कर रहे हैं, तो मैंने सोचा कि मैं भी इस पे वीडियो बना दूं जब लोग इसको सर्च कर रहे हैं। तो वैसे भी दो दिन पहले मैंने अपना खुद का डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी वाला पोस्टर बनाया था व्हाट्सएप स्टेटस के लिए, और जब मैंने उसे व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाया तो काफी लोगों ने उसे पसंद किया। तो चलो देखते हैं कि उसको मैंने कैसे बनाया था। सबसे पहले मैंने गूगल और फ्री पिक दोनों पे सर्च किया, जैसा कि मैंने इस वीडियो में बताया है। गूगल पर मैंने लिखा क्रिएटिव एजेंसी बैनर, तो मेरे सामने कुछ इस तरीके के बहुत सारे बैनर डिजाइन आ गए। फिर उसके बाद मैंने फ्री पिक ओपन किया और वहां पर भी सेम चीज लिख के मैंने सर्च किया, और उसके बाद पेज नंबर 2 में आने पर मुझे ये वाला डिजाइन मिला। मैंने इसे कॉपी किया और अपने कोरलड्रॉ में ला करके पेस्ट कर दिया। चूंकि ये बैनर डिजाइन था और मुझे व्हाट्सएप स्टेटस के लिए बनाना था, तो मैंने वर्टिकल फॉर्मेट को चूज किया और बिल्कुल सेम बनाने की कोशिश की। यहाँ पे अपने टीम का इमेज लगाने के बाद मुझे पता चला कि ये थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैंने इसे नीचे कर दिया और फिर बीच में मैंने अपना इमेज लगा दिया। और ये इमेज का भी जो आइडिया आया तो मैंने इस वाले डिजाइन से लिया था जो कि मैंने गूगल पे सर्च किया था। फिर उसके बाद ये जो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी लिखा था इसके पीछे मैंने थोड़ा सा साइडो डाल दिया, जिसकी वजह से ये काफी हाईलाइट होकर के दिखने लगा। अब सब कुछ होने के बाद हमारा बैकग्राउंड बिल्कुल सादा दिख रहा था, तो इसके लिए मैंने टेक्सचर पैटर्न इसमें यूज किया। फिर उसके बाद ये बन गया एक बेहतरीन हमारा डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी का बैनर। तो इस तरीके के बहुत सारे ट्यूटोरियल मैंने ऑलरेडी इसी चैनल पे बना रखे हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और देखकर सीखते रहिए। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दें। बाकी अगर आपको नहीं पता कि कोरलड्रॉ कैसे चलाते हैं, कोरलड्रॉ कैसे यूज करते हैं, तो उसके लिए मैंने पूरा कोर्स बना दिया है। आप यहाँ पे क्लिक करके ये कोर्स देख सकते हैं।